सरकार के अध्यादेश को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की यह मुहिम है कि अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल की मुहिम। ममता बनर्जी शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। 23 मई को ममता बनर्जी से मिलेंगे, 24 मई को उद्धव ठाकरे से मिलेंगे केजरीवाल और 25 मई को शरद पवार से मुलाकात करेंगे। कल नीतीश कुमार से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की थी, तो 23 मई को ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और 24 मई को उद्धव ठाकरे से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल, तो 25 मई को शरद पवार से उनकी मुलाकात होगी। केंद्र सरकार के अध्यादेश को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की यह मुहिम है और अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए सीएम केजरीवाल की यह मुहिम है कि जिसमें वो ममता बनर्जी शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे, उनका समर्थन मांगेंगे कि इस मामले में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था कि दिल्ली का बॉस अरविंद केजरीवाल ही होंगे, लेकिन केंद्र सरकार अध्यादेश लाई और दिल्ली का बॉस उपराज्यपाल को ही बना दिया। ट्रांसफर और पोस्टिंग का यह मामला जिसमें अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया था, लेकिन उसके खिलाफ अध्यादेश लाके केंद्र सरकार ने वो अधिकार फिर से एलजी को दे दिया। और दिल्ली बनाम केंद्र सरकार तो कई मामलों पे होता रहा है, यहां एक बार फिर वही तकरार है। और अब अरविंद केजरीवाल अलग अलग दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे, राज्यसभा में उनका समर्थन मांगा जाएगा। इसमें ममता बनर्जी हैं, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं। तो 23 मई को ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, 24 मई को उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात होगी और 25 मई को शरद पवार से मिलेंगे, उनसे समर्थन मांगेंगे इस मामले में कि दिल्ली सरकार का साथ दें। कल नीतीश कुमार से भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो केंद्र सरकार के अध्यादेश को रोकने के लिए दिल्ली सरकार यह मुहिम चला रही है, अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए कि राज्यसभा में उसे रोका जाए, इसके लिए सीएम केजरीवाल की यह मुहिम है। वो ममता बनर्जी शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे, नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, दिल्ली सरकार एक बार फिर इस मुहिम में है कि राज्यसभा में अध्यादेश को कैसे रोका जाए, इसको लेकर ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे और पवार से मुलाकात होने वाली है, मुलाकात करने वाले हैं केजरीवाल। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें, कुछ महीनों की बात करें, आपने देखा होगा किस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल और कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जो तकरार है कई मुद्दों को लेकर छिड़ी हुई थी और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी इसकी वानगी देखने को मिली और जिस तरीके से प्रतिक्रिया और क्रिया हुई कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा था, सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई चली और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहीं इन शब्दों में सीधे तौर पर यह कह दिया कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए जो सरकार है उसके पास भी तमाम अधिकार होने चाहिए और कहीं ना कहीं ये कहें कि केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका जरूर दिया था। उसके बाद दिल्ली सरकार पूरी तरीके से खुश नजर आ रही थी, अरविंद केजरीवाल का पूरा खेमा खुश नजर आ रहा था और कई जो अहम फैसले हैं इस बीच में लिए गए, खासतौर पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार इसी बीच एक अध्यादेश लेकर चली आई और कहीं ना कहीं इस अध्यादेश को दिल्ली सरकार ने और खासतौर पर दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों ने तानाशाही रवैया बताया। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, लंबी चर्चा हुई है, खासतौर पर इस अध्यादेश को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि इसको एक मुहिम बनाया जाए और कहीं ना कहीं तमाम जो समान विचारधारा के जितने दल हैं उनसे इस पर समर्थन मांगा जाए, यानी कि केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में समर्थन मांगा जाए। 23 मई की बात करें तो 23 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात हो सकती है। बताया जा रहा है, अभी तक जो जानकारी मिली है, कि ये मुलाकात पश्चिम बंगाल में ही होगी। इसके अलावा अगर हम 24 मई की बात करें तो 24 मई को उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे दिल्ली के
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा 25 मई की बात करें तो शरद पवार से उनकी मुलाकात होगी। तो निश्चित रूप से राज्यसभा में अगर हम बात करें तो कोई भी अध्यादेश आता है तो लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसी को लेकर कहीं ना कहीं समर्थन एक तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मांग रहे हैं तमाम विपक्षी दलों के, उनका समर्थन मांगा जा रहा है राज्यसभा में, पार्टियों की विचारधारा मिलती जुलती। ठीक है पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।